हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो हमारा टॉपिक चल रहा था जो भारतीय कपड़ा था, अपनी बारीकी से और अपनी गुणवत्ता के कारण पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था, तो उसी के बारे में चल रहा है। इतिहास में शब्दों में इतिहास छिपा है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे पता चलता है कि जो भारतीय कपड़ा था उसकी मांग पूरी दुनिया में थी या पूरी दुनिया में वह प्रसिद्ध था। तो देखिए, यूरोप के व्यापारी ने भारत से आया बारीक कपड़ा, सूती कपड़ा सबसे पहले, ये कह रहा है जो यूरोप के जो व्यापारियों ने सबसे पहले कपड़ा कहाँ देखा? ईरान के, इराक सॉरी, पश्चिमी एशिया का देश है ईरान और इराक पड़ोसी देश है, तो इराक का एक मोसूल शहर है। अरब व्यापारी के पास ऐसा कपड़ा उन्होंने देखा, इस कपड़े को देखकर बहुत वे प्रभावित हुए। इस आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहते थे। जो कपड़ा यानी सूती जो कपड़ा था अपनी बारीक कताई के लिए, बुनाई के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। और ये जो शब्द है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली यानी भारत में आए, तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल राज्य के तट पर कालीकट जो एक जगह है, बंदरगाह, वहाँ पर डेरा डाला। ये वहाँ से ये मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को बाद में कैलिको कहा जाने लगा। हर तरह के, इसी तरह इसके बाद क्या रहा है, हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजार से भारतीय कपड़े की लोकप्रियता की कहानी बताते हैं। जैसे कैलिको है, मलमल है, सीट जो है, छीट है जिसे कहते बेटा, अगर इन कपड़ों को, भारतीय कपड़ों को पूरी दुनिया में जो इस नाम से जाना जाता था। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों से भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी बताते हैं। चित्र 3 में एक आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं, जिसे 1730 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। एक ऑर्डर का एक बुक है बेटा, उसमें आप देख सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारी को कपड़े के लिए जो है ऑर्डर दिया था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला। यदि आप इस बही के पन्ने को पलटते हैं तो आप पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया। ये कह रहा है इसी ऑर्डर को हम पन्ने पलट कर देखते हैं बही के, तो हमें पता चलता है उसमें सूती और रेशमी 98 किस्मों का जो है ऑर्डर किया गया है। यूरोपीय व्यापारी ने पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबे और 1 फुट चौड़ा, जो 1 गज चौड़ा थान होता था। अब आगे कह रहा है, आइए आइए अब इस भाई में दी गई विभिन्न किस्मों के नाम को देखें। थोक, जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उसमें छापेदार सूती कपड़े को भी शामिल किया गया था, और इस उन्हें ये व्यापारी सिट या कोसा या खस्सा या बंडाना के नाम से जानते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिट शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ पर छींट रंगीन फल फूल और पत्तियों वाले जो छोटे छापे के जो कपड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग थी। ये कह रहा है सन 1680 तक पूरे यूरोप और इंग्लैंड में जो भारत में बने छींटदार या छापेदार जो कपड़े थे, सूती जो कपड़े थे, उसकी मांग पूरी यूरोप और इंग्लैंड में थी। आकर्षक फल फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय जो कपड़ा था उसका एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं, कह कह रहे इंग्लैंड के अमीर लोग ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने जाने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद से के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से जो है लिया गया है, निकलता है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले बहुत सारी ऐसी किस्मों के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने या रंग साजी की विधियों से बनाया जाता था। बही में कई दूसरे कपड़ों का भी जिक्र है जिनके नाम जन्म के स्थान पर लिखे गए हैं, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर।
आदि इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय जो कपड़े थे कितने मशहूर हो चुके थे। इससे पता कह रहे बेटा पता चलता है कि नामों से जैसे मलमल है, चिटज है, इन नामों से हमें पता चलता है कि जो भारतीय कपड़ा था पूरी दुनिया में उसका व्यापार होता था, पूरी दुनिया में बिकता था और लोग भारतीय कपड़े का नाम सुनते उसे खरीद लेते थे। अर्थात पूरी दुनिया में खास तौर से यूरोप महाद्वीप और इंग्लैंड में उसकी ज़बरदस्त मांग थी और जो यूरोप के जो अमीर जो लोग थे या जो प्रशासक की जो अधिकारी थे, जो इंग्लैंड की जो महारानी थी, वो भी इन कपड़ों को पहनती थी। तो आज से हमें पढ़ने से पता चला कि जो भारतीय कपड़ों की पूरी दुनिया में कितनी ज़बरदस्त मांग थी, इससे हमें पता चलता है। आज का वीडियो बेटा इतना ही, बाकी का वीडियो हम कल बनाएंगे। धन्यवाद।